नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बजरंग दल ने दी आंदोलन की चेतावनी, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश की हाथरस घटना को लेकर पठारी प्रखंड बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा और आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बजरंग दल ने बस स्टैंड से श्री राम जानकी राज मंदिर, मुख्य बाजार, तालाब रोड, संजय नगर होते हुए दो पहिया वाहनों से नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। वे बजरंग दल जिला सह मंत्री डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रभारी तहसीलदार सीके ताम्रकार को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़ित बालिका के साथ अमानवीय निर्दयीपूर्ण दुष्कर्म कर पीड़िता के शरीर को क्षतिग्रस्त किया, जिसके बाद पीड़िता की मृत्यु की हो गई, जो अति निंदनीय थी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस दौरान बजरंग दल के साथ वाल्मीकि और दलित समाज मौजूद रहा। विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। प्रदेश के हाथरस में हमारी बहन के साथ जो जीप काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके संबंध में आज बजरंग दल ने ज्ञापन दिया है। और बजरंग दल की अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तब बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा।